हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आप में से कुछ फ्रेंड ने डिमांड की थी अगाथा क्रिस्टी के फेमस नोवेल द मर्डर मिस्ट्री ऑफ रोजर एकरवुड, तो आज मैं उसकी समरी लेके आया हूँ। ये जो नोवेल है, जब स्टार्ट होता है तो हमें पता चलता है कि इसके नरेटर का नाम डॉक्टर जेम्स शेपार्ड है, जो कि अपने घर लौट रहे हैं क्योंकि उनके पड़ोस में मिसेज फेरार्स नाम की एक लेडीज की डेथ हो गई है, जो कि रात को डेथ हुई है। और ऐसा लगता है जैसे उसकी डेथ उन्होंने एक ओवरडोज ले लियो वर्नोल, जो कि एक स्लीपिंग ड्रग है। इस स्लीपिंग ड्रग के कारण शायद उनकी डेथ हो गई है, पर शेपार्ड और उनकी सिस्टर कैरोलाइन को ये लगता है कि ये एक सुसाइड है। मिसेज फेरार्स जो है, उन्होंने उनके बारे में ऐसी अफवाह है कि उन्होंने अपने हस्बैंड को जहर देकर मार दिया था, जो एक साल पहले मर गए थे। और ये स्टोरी किंग्स अबोट नाम के एक छोटे से विलेज की है, जहां ये भी अफवाह है कि मिसेज फेरार्स जो थी, उनका रिलेशन एक विडोवर जिसका नाम रोजर एक्रोइड था, उनके साथ था, जो कि फर्नली पार्क स्टेट में रहते हैं। और उनकी भी वाइफ मरी हुई है और वो भी एक हैवी ड्रिंकर थी। अब हमें पता चलता है कि ये स्टोरी है रोजर एक्रोइड की। जो एक्रोइड्स हैं, ये अपने एक अमीर आदमी जो अपने स्टेपसन राल्फ पैटन, उसकी रिसेंटली विडोर सिस्टर इन लॉ मिसेज सिसिल एक्रोइड और मिसेज एक्रोइड की बेटी फ्लोरा के साथ रहते हैं। यानी कि इनकी फैमिली में ये तीन पर्सन हैं, राल्फ पैटन, मिसेज सिसिल एक्रोइड और फ्लोरा। और इस स्टेट में बहुत सारे नौकर रहते हैं, जिनमें से मेन है एक्रोइड का बटलर पार्कर और मिसेज रसल, जो कि हाउसकीपर है। एक रात शेपार्ड जो है वो फर्नी पार्क में एक्रोइड के साथ डिनर को जाते हैं, तो उनमें वहां पे मिसेज एक्रोइड उनकी और फ्लोरा, उनका पर्सनल सेक्रेटरी जोफी रेमंड और एक बड़ा गेम हंटर ब्लंट रहता है। डिनर के बाद शेपार्ड प्राइवेटली एक्रोइड के साथ मिलते हैं, तो एक्रोइड उन्हें बताते हैं कि मिसेज फेरार्स को कोई पर्सन ब्लैकमेल कर रहा था, कि वो जानता है कि उसने अपनी वाइफ को जहर दे दिया था। पार्कर जो बटलर है, वो एक लेटर लेके आता है जो मिसेज फेरार्स ने मरने से पहले लिखा था। उस लेटर में उन्होंने ये लिखा था कि वो अपने ब्लैकमेलर का नाम बताएंगे। एक्रोइड कहते हैं कि मैं इस लेटर को प्राइवेट में पढ़ूंगा, इसलिए शेपार्ड चले जाते हैं। अब शेपार्ड चले जाते हैं, घर के बाहर उन्हें एक अजनबी मिलता है जो उनसे फर्नली पार्क के बारे में रास्ता पूछता है। जब शेपार्ड अपने घर आते हैं तो उन्हें एक पार्कर से एक फोन कॉल आता है, जिसमें बताता है कि एक्रोइड का मर्डर हो गया है। वो वापस भागे भागे फर्नली पार्क जाते हैं, तो वहां शेपार्ड को पता चलता है कि पार्कर ने तो कोई फोन ही नहीं किया। अब दोनों बंदे जाकर क्या देखते हैं कि एक्रोइड जो है अपने कमरे में मरा पड़ा है और उसके गर्दन में एक बड़ा सारा मेटल डैगर चक्कू घुसा हुआ है। शेपार्ड नोटिस करते हैं कि जो मिसेज फेरार्स ने लेटर लिखा था, वो लेटर भी गायब है। पुलिस बुलाई जाती है और घर के सारे मेंबर मिसेज एक्रोइड, फ्लोरा, मिस रसल, पार्कर, ब्लूंट, रेमंड और वो जो पार्लर मेड उर्सला बॉर्न, सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताओ मर्डर के वक्त आप कहाँ थे। तो सब ऐसे लगता है कि सबके पास एलिबाई गवाह हैं, बस उर्सला के पास नहीं है। राल्फ पैटन जो है वो भी कहीं नहीं मिलता। फ्लोरा शेपार्ड को कहती है कि आप पड़ोस में ही एक हमारे रिटायर्ड डिटेक्टिव रहते हैं जिनका नाम है हरक्यूल पॉयरोट, आप उन्हें बुला लीजिए। हरक्यूल पॉयरोट जो हैं, वो अगाथा मिस्ट्री के कई नॉवेल्स में डिटेक्टिव काम कर चुके हैं, वो आते हैं और वो कहते भी आप हमारे अंकल का मर्डर इन्वेस्टिगेट कीजिए।
पोयरोट इस काम को एक्सेप्ट करता है और रिटायरमेंट से बाहर आते हैं। वो शेफर्ड को कहते हैं कि आप किस टाइम स्ट्रेंजर को मिले थे, और वहां पे जा उन्हें एक गूस क्विल और एक रिंग भी मिलती है, जिस पर लिखा होता है फ्रॉम आर। वो डिस्कवर करते हैं कि एक्रोइड की स्टडी की एक टेबल जो है वो भी चेयर भी हिलाई गई है। जिस समय शेफर्ड वहां आए और जिस समय वो बॉडी को लिया गया तो एक चेयर भी लाई हुई है। उसको ये भी पता चलता है कि एक्रोइड ने एक डिक्टाफोन भी अभी अभी परचेज किया था। पुलिस जो कॉल को पता चलता है कि वो कॉल जो था वो शेफर्ड को एक्रोइड की डेथ के थोड़ी देर बाद ही पब्लिक टेलीफोन बूथ जो कि किंग एबोट का ट्रेन स्टेशन है वहां से किया गया था। शेफर्ड डिसाइड टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ द केस, जब वो कहते भी मैं केस का ध्यान रखूंगा। अब पोयरोट जो है वो मर्डर का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, तो हमें फर्नली पार्क रेजिडेंट के बहुत सारे राज पता चलते हैं। उस क्विल के अंदर हेरोइन थी और वो जो स्ट्रेंजर से मिलती थी और उस स्ट्रेंजर की थी जिसे शेफर्ड जो थे गेट पर मिले थे, जो कि मिसेज रसल का इलेजिमेट बेटा चार्ल्स कैंट था। फ्लोरा कन्फेस करती है कि उसने अपने अंकल के बेडरूम से पैसे चुराए हैं और वो इनिशियली ही अपने कहाँ पर मर्डर के वक्त वो कहाँ थी उसके बारे में भी झूठ बोला था। ब्लंट कहता है कि वो फ्लोरा से प्यार करता है और इसलिए वो उसे शक से बचाने की कोशिश कर रहा था। उर्सुला बारोन भी बताती है कि उसने राल्फ पैटर्न से शादी कर रखी है और वो रिंग जिस पर फ्रॉम आर लिखा हुआ है वो एक वेडिंग गिफ्ट है। अब दोनों कंपेल करते हैं कि हम इस शादी को सीक्रेट ही रखेंगे, क्योंकि उर्सुला और राल्फ के बीच में क्लास का डिफरेंस है। उर्सुला राल्फ एक अमीर आदमी है और उर्सुला जो है वो एक हाउसकीपर है। राल्फ को भी मर्डर माना जाता है क्योंकि उसके जो फुटप्रिंट थे, पैरों के निशान थे, वो उसके स्टेप फादर के कमरे के बाहर मिले थे, खिड़की पर मिले थे। ब्लंट ये भी बताता है कि उसने एक्रोइड को किसी से ये बात करते हुआ सुना था जब शेफर्ड छोड़ के गया था और वो पर्सन शायद राल्फ हो। पॉयरट फाउंड आउट करता है कि एक्रोइड ने सारा पैसा राल्फ, फ्लोरा और रेमंड के लिए अपनी वसीयत में छोड़ा है और इसलिए इन तीनों को ही उसकी मौत से कुछ ना कुछ फायदा था। पॉयरट सबको अपने घर में एक मीटिंग पे बुलाता है जहां वो कहता है कि उसने केस को सोल्व कर लिया है। जब वो एविडेंस को देखता है जो उसने ढूंढे हैं तो पायरेट ये शक करता है कि शेफर्ड तुमने पूरी ईमानदारी से मुझे नहीं बताया। शेफर्ड कन्फेस करता है कि वो राल्फ के साथ मर्डर करने के बाद थोड़ी देर बाद वो सड़क के पर भाग के गया था और उसने उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में छुपाया है ताकि कहीं वो उस पर कोई शक ना आए। राल्फ कहता है कि हाँ शेफर्ड ने ऐसा किया था, उसने बोलता है कि शेफर्ड केवल मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। पॉयरोट कहता है कि रियल मर्डरर खुद आकर आगे आए ताकि राल्फ का नाम, क्योंकि राल्फ मर्डरर नहीं है लेकिन शक उस पर ही आ रहा है। एक टेलीग्राम मिलने के बाद पॉयरोट कहता है कि इस टेलीग्राम से मर्डर की जो पहचान है वो स्पष्ट हो गई है और वो सारी इंफॉर्मेशन पुलिस को सुबह देगा। तब वो डिस्कस करता है कि मीटिंग को डिसमिस करता है पर शेफर्ड को कहता है कि तुम रुक जाओ। जब सब चले जाते हैं तो पॉयरोट शेफर्ड को कहता है तूने खून किया है। पॉयरोट कहता है कि शेफर्ड मिसेज फेरर्स को ब्लैकमेल कर रहा था और उसने एक्रोइड को इसलिए मार दिया ताकि वो लेटर ना पढ़ सके। तब उसने एक्रोइड की आवाज की एक रिकॉर्डिंग डिक्टाफोन पर चलाई ताकि ऐसा लगे जैसे वो किसी और से ऐसे बात कर रहा था, और उसने वो चेयर को इसीलिए छुपाया ताकि वो, क्योंकि उस डिक्टाफोन किसी को दिखाई ना दे। एक्रोइड से लेटर लेने के बाद उसने स्टडी विंडो पर फुटप्रिंट लगाए ताकि राल्फ को जो है
ताकि राल्फ पर शक जाए, क्योंकि राल्फ जो है वो चार्ल्स कैंट से मीटिंग में मिलेगा शेफर्ड को। तब उसने शेफर्ड तब अपने पेशेंट को बोलता है कि तुम मुझे ट्रेन स्टेशन से फोन करना ताकि मैं फर्नली पार्क जा सकूं, जो जैसे कि टेलीग्राम ने कंफर्म कर दिया। अब एक ही डिस्कवरी जो है, जैसे ही एक्रोइड को सबसे पहले उसने एक्रोइड की लाश को देखा तो शेफर्ड ने डिक्टाफोन को अपने बैग में डाल लिया और बिना किसी से देखे वो ले गया। अब शेफर्ड सबसे पहले सब कुछ मना कर देता है, लेकिन बाद में वो मान लेता है कि हाँ पोयरेट तुमने सच ढूंढ लिया है। पोयरेट शेफर्ड को कहता है कि वो जानता है कि वो सुबह पुलिस को बता देगा, इसलिए शेफर्ड घर जाए और अपनी मैन्युस्क्रिप्ट पूरी करे। शेफर्ड घर जाता है, पोयरेट को सारी मैन्युस्क्रिप्ट बताता है, फिर वो अपने आप को वर्नोल के एक ओवरडोज से मार लेता है, जिस तरीके से मिसेज फेरार्स मरी थी। इस नोवेल के अंदर ज्यादातर थीम क्राइम, इंट्रिग्रू, षड्यंत्र, सीक्रेट, सोशल क्लास और नेचर वर्सेस नर्चर और सर्कमस्टांसेस की है, जिससे एक आदमी मर्डर बनता है। नोवेल जो है वो हमें ब्रिटिश अपर क्लास सोसाइटी की विविड पिक्चर भी बताता है जो अगाथा क्रिस्टी के टाइम थी, और वो हमें वो डार्क सीक्रेट भी बताता है जो कि इस पॉलिश विनर के पीछे छुपे हुए थे। थैंक यू वेरी मच।